किशोर कुमार का रिश्ता सचिन दा के साथ इतना प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था कि उसे बयान करना मुश्किल है। सचिन दा अक्सर कहा करते थे कि उनके लिए जैसा उनका इकलौता बेटा राहुल देव है, बिल्कुल वैसे ही किशोर कुमार भी है। वो कितना ज्यादा मुझसे ज्यादा जानते थे उस आदमी को। जैसे पिक्चर शुरू हुआ और पहला और सीन खत्म होने वाला था तो बोले कि दादा एक बात मानो। अच्छा, नेक्स्ट डे उनका रिकॉर्डिंग था, गैम्बलर का रिकॉर्डिंग था। अच्छा अच्छा। तो बोले कि दादा आपको मालूम है? हमने क्या, मेरा गला गड़बड़ हो रहा है। तो पिताजी खड़े हो गए, मतलब शो चालू है और ये खड़े हो गए, गला खराब हो गया, अपना खराब हो रहा है। हमने क्यों हो रहा है? हमने एसी चल रहा है, इतना बड़ी ठंडी लग ठंडी लग रही है। ऐसा तो अभी पिक्चर चालू है, प्रीमियर इज ऑन, तो मतलब ऐसी बात है। मैनेजर बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तो सब लोग देखने लगे एसडी बर्मन क्या कर रहा है। अब पिताजी मैं उठने जा रहा हूँ तो पिताजी मेरे हाथ पकड़ के बोले बैठे रहे, बस मजा देगा अभी क्या होने वाला। तो उठे, बोले कि मैनेजर बंद करो, एसी सब बंद कर दो। हमने क्या, कल मेरे रिकॉर्डिंग है, किशोर का गला खराब हो रहा है, गाली पाए। ऐसे कब होता था और खूब मजा लिया हम लोगों ने, पर ऐसे ही चलता रहा। और ऐसे इतने किस्सा है पूछो मत। अभी देखो एक अजीब बात, अभी किशोर दा भी नहीं है, बाबा तो 75 में गुजर गए। तो उसके बाद किशोर दा यही बात करते थे कि देखो पंचम, ये आदमी जब चले जाएंगे ना, इस टाइप के एक वैक्यूम हो जाएगा, मतलब इस टाइप के आदमी नहीं मिलेंगे। मतलब सुर के संगीत की बात ही नहीं, मतलब इस टाइप के कैरेक्टर ही नहीं मिलेगा। और पिताजी को जब पैरालिसिस अटैक हुआ, जिस दिन हुआ उस दिन, ये किसी को मालूम नहीं, उस दिन वो आए थे, आके सुबह रिहर्सल किया, बड़ी सुनी सुनी लास्ट सॉन्ग अभिमान, वो गाना उन्होंने रिहर्सल किया, रिहर्सल करके गए। नहीं नहीं, अभिमान नहीं, लास्ट फिल्म, करेक्ट, सही बात। तो वो रिहर्सल किए, रिहर्सल करके जैसे गए, 15 मिनट का उनको अटैक आया पैरालिसिस का। उसके बाद पिताजी हॉस्पिटल में थे, किशोर दा गए हॉस्पिटल में, किशोर दा ने बोला कि आप कोई चिंता मत कीजिए, परसों आपका रिकॉर्डिंग देखिए कैसा होगा। वो लास्ट गाना दादा ने गाए थे। बड़ी सोनी सोनी।